देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन एन प्लस वन, देन चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस, देन चेक द कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, सॉरी सीरीज नॉट सीक्वेंस. इफ सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन एन प्लस वन, देन चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. देखिए, हेयर यू एन इक्वल टू एंथ टर्म ऑफ द सीरीज इज एन अपॉन एन प्लस वन. इन दिस केस फर्स्ट वी चेक लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी. कन्वर्जेंट के लिए लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, उसके बाद भी कन्वर्जेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है. लेकिन लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पे यू एन की वैल्यू जीरो नहीं है, तो उस केस में हमेशा आपकी जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी. तो देखिए, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की टर्म फर्स्ट इसे सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ऊपर से आपका एन है ही, नीचे से एन कॉमन, तो वन प्लस वन बाई एन, एन से आपका एन कैंसिल, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन, वैल्यूज रिप्लेस कीजिए, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, इक्वल टू आ गया आपका वन, वन बाई वन, क्या जीरो के इक्वल है, नहीं है. हेयर दिस इंप्लाइज, कहने का मीन क्या हुआ, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी वन, जो किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है. तो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस या सीरीज सीरीज सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट द सीरीज इज डाइवर्जेंट. यानी कि अगर मैं इस सीरीज का सम निकालूं तो इस सीरीज का जो सम है वो इनफाइनाइट निकल के आएगा. कितना निकल के आएगा, इनफाइनाइट निकल के आएगा. इफ लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, इन दिस केस द सीरीज इज डाइवर्जेंट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट. आप याद रख लो इस कॉन्सेप्ट को, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, इन दिस केस द सीरीज इज डाइवर्जेंट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कीजिए भाई, नेक्स्ट आप एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इफ सिग्मा यू एन इक्वल्स टू सिग्मा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. देखिए, हेयर यू एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, देयरफॉर लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी u1 equals to limit n tends to infinity n square minus 1 upon n square plus 1 and taking the common of both sides limit n tends to infinity n square is a common 1 minus 1 upon n square yahan se aapka 1 plus 1 upon n square is a common denominator and numerator एन स्क्वायर से एन स्क्वायर आपका कैंसिल और यहाँ से आप लिमिट लगाइए वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी वन माइनस जीरो वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, जो कि क्या जीरो के इक्वल है, क्या वन की वैल्यू क्या जीरो के इक्वल होगी, नहीं होगी. तो आप क्या कह सकते हो, लिख तो लिया होगा भाई, लिख लीजिए भाई जल्दी या स्क्रीन शॉट ले लीजिए. तो देखिए,
यहां से इसकी जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टाइम्स टू इनफिनिटी यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज श्रेष सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट, द श्रेष सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा टू एन माइनस वन अपॉन थ्री एन प्लस टू। सॉल्व कीजिए भाई इसे जल्दी, एक मिनट का समय दे रहे हैं आपको, सॉल्व कीजिए। हाँ भाई सॉल्व कीजिए इसे, देखिए हेयर यू एन इक्व टू टू एन माइनस वन अपॉन थ्री एन प्लस टू, देयर फोर लिमिट एन टाइम्स टू इंफिनिटी यू एन इक्व टू लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी टू एन माइनस वन थ्री एन प्लस टू, कॉमन लीजिए भाई, तो यहां से आपका कॉमन आएगा, ऊपर से आपका दो, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी वन माइनस वन बाई एन, और नीचे से आपका कॉमन आएगा थ्री एन प्लस टू अपॉन एन। लिमिट लगाइए भाई, लिमिट जैसे ही आप लगाओगे तो क्या लिमिट की वैल्यू जीरो आएगी, वन अपॉन इनफिनिटी यानी कि जीरो, यहां से थ्री, यहां से आपका बच चुका है वन, यहां से वन प्लस टू अपॉन इनफिनिटी जीरो, ऊपर से टू बचेगा नीचे से थ्री, तो क्या आ गया टू बाई थ्री, क्या टू बाई थ्री जीरो के इक्वल है क्या, नहीं है, तो हियर लिमिट एन टाइम्स टू इनफिनिटी यू आर नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर्जेंट, therefore the series is divergent। तो यहां आप देख सकते हो here limit n times to infinity u n not equals to zero, therefore given series is divergent, therefore given series is divergent, therefore given series is divergent, given series is divergent। तो नेक्स्ट कीजिए भाई, आपकी जो सीरीज है वो कैसी है भाई, डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर फोर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए भाई कि इफ सिग्मा यू एन इक्वल टू वन प्लस वन वाई एन की होल पावर एन, चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इफ सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। बताइए भाई कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तो देखिए here u n equals to 1 plus 1 by n की whole power n, 1 plus 1 by n की whole power n, 1 plus 1 by n की whole power n, check the convergent of the following series by, देखिए यहां से आप कैसे करोगे, limit therefore limit n times to infinity limit n टाइम्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, चेक कीजिए भाई लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, लिमिट लगाइए
आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लिमिट का 12th क्लास में कि 1 प्लस एक्स अपॉन एन की पावर एन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए की पावर एक्स. तो इन दिस केस वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्स की वैल्यू 1 लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए की पावर 1 e is a rational number value of this in the rational case 2.74 something or 2.71 something ... this is not equals to 0 not equals to 0 so therefore aap kya keh sakte ho iske bare mein therefore limit n tends to infinity un not equals to 0 jab un not equals to 0 so this implies the given series sigma un is divergent. तो देखिए भाई कल आप बुक खरीद लेना और नई भी खरीदियो तो भी खरीद लेना और खरीद लियो तो अच्छी बात है. कल हम आपको आगे का कॉन्सेप्ट कराएंगे और तब तक आप और वर्क करना इस पे. धन्यवाद.